हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ खबर आउट में। भारत आने से पहले ही यूके की वैक्सीन की आई है सच्चाई सामने, क्योंकि महिला के काटने पड़ गए हैं पैर वैक्सीन लेने के बाद। चलिए, पूरी अपडेट के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। ये पूरी अपडेट आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए है, क्योंकि यूके की वैक्सीन जो है, जिसका नाम AstraZeneca बोला जा रहा है, ये काफी सारे देशों में सप्लाई करने की बात हो रही है और हमारे इंडिया में भी ये सप्लाई हो सकती है। तो ये इसके एक्चुअली में काफी सारे इफेक्ट्स भी है, काफी ज्यादा अच्छा भी लोगों को कर रही है, पर साइड इफेक्ट भी काफी ज्यादा है। यूके की एक महिला ने इसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी दी है कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या है और उसके साथ वैक्सीन लेने के बाद क्या सब चीजें हुई है। पूरी जानकारी जानने के बाद आप अपने रिएक्शन जरूर बताइए कि क्या आपने इंडिया की वैक्सीन को लिया है या नहीं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूके से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर AstraZeneca नाम की कोरोना जो वैक्सीन है वो बनाई गई है वहां पर, और वहां पर लोगों को ये वैक्सीन दी जा रही है उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। इस दौरान ही वहां पर एक महिला ने एक्चुअली में ये वैक्सीन ली। वैक्सीन लेने के बाद उसने अपनी पूरी जो कि कहानी थी वो अपने सोशल मीडिया के जरिए उसने लोगों से शेयर की, और शेयर करते वक्त उसने ये भी चीज बोला कि मैं आपको डराने के लिए ये सब चीजें नहीं बोल रही हूं, आप बस सब चीजें सोच समझ के कीजिए, क्योंकि वैक्सीन लेना भी काफी ज्यादा जरूरी है। पर इस वक्त उस महिला के पैर नहीं रहे। उस महिला ने अपने बारे में बताया कि जिस वक्त मैंने ये वैक्सीन ली थी उसके तुरंत बाद कुछ टाइम के बाद मुझे फीवर आने लग गया, मुझे कंधे में दर्द होने लग गया और काफी ज्यादा मुझे अलग अलग सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, जबकि डॉक्टर्स ने ये चीज बताई थी कि ये जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल होते हैं। पर उस दौरान ही वहां पर कुछ दिन बीतने के बाद उसके पैर जो है वो गलने लग गए, बड़े बड़े फोड़े आने लग गए और उस दौरान ही उसके पैर काटने पड़ गए। अगर उसके पैर नहीं काटते तो उसकी पूरी बॉडी गल जाती और वो मर भी सकती थी। उसके पैर काटने पड़ गए और उसने अपनी पूरी स्टोरी जो है वो एक्चुअली में यहां पर बताई है, सोशल मीडिया पे बताई है। इसी दौरान ही मैं आप लोगों को यह भी चीज बता दूं कि भारत में भी इस वैक्सीन के आने की बातें चल रही हैं, पर उससे पहले यह सच्चाई और खुलासा जो हुआ है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी और आप भी सोच समझ के सब चीजें करेंगे। स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से रहिए, कूल होके सब चीजें सोचिए। काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, समझ सकते हैं सब लोग, काफी ज्यादा प्रॉब्लम सबको ही है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।